मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है सिस्टम्स को बेहतर बनाने में और उन्हें लोगों के द्वारा ईजिली यूजेबल बनाने में, ताकि लोग उसको आसानी से यूज़ कर सकें। और ये दोनों ही चीज़ें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में हैं और इन पर रिसर्च होता है, इसीलिए मेरा झुकाव था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की तरफ और मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोग्राम चूज़ किया। मैंने पर्ड्यू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पर सभी डिफरेंट एरियाज़ जो हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, उसके बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर्स, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं। और जब मैं यहाँ आने वाला था तब मुझे श्योर नहीं था कि मैं किस टॉपिक पर रिसर्च करूँगा, इसलिए मैं पर्ड्यू आना चाहता था, अलग अलग प्रोफेसर्स से बात करना चाहता था और उनके साथ काम करना चाहता था और उनके जो स्पेशलिटी है उससे सीखना चाहता था। मेरा इंटरेस्ट है रोबोट्स बनाना। मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं सिर्फ रोबोट्स बनाने पे फोकस करती थी और मैं चाहती हूँ ह्यूमंस पे फोकस करना, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो यूज़र है वो रोबोट्स का ह्यूमन है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुझे वो ऑप्शन देता है, वो बैकग्राउंड देता है जहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ जो हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा उन पर। और पर्ड्यू आई इस रेस्पेक्ट में बहुत अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की जा सकती है, तो मैं अपना एप्लीकेशन डोमेन कहीं से कहीं तक भी लेके जा सकती हूँ, जिस वजह से मैं शायद अपनी रिसर्च बहुत अच्छे से कर पाऊँ।